भूख बहुत तेज लग गई और मुझे खाना था मैगी। सोचा मैंने कि ये 14 रुपए की मैगी का आज मैं इसका करने जा रही हूँ। और कहते हैं ना 2 मिनट में बन जाती है मैगी, तो भूख भी बहुत तेज लगी है और मैं आज बनाऊंगी मैगी बिना प्याज। बहुत लोग प्याज डालते हैं, बहुत लोग नहीं भी डालते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट मैं अपने तरीके का बनाऊंगी। और मैं कैसा मैगी बनाती हूँ ये आज को, मतलब आज इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मैगी कैसे बनाती हूँ। मैं मैगी बना लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मैगी कैसे बनाती हूँ। ये मैगी, और मैं देखती हूँ फ्रीज में क्या है। तो फ्रीज में से मुझे एक टमाटर मिला, सिर्फ एक ही टमाटर, और मिर्च मैं ले लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही लूँगी क्योंकि स्पाइसी थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो मैं इतना सारा रख लेती हूँ, मैं हिसाब से डाल दूँगी। ऐसा आता है ना, मैं वैसे ही मैगी बनाऊँगी क्योंकि मुझे इतना खास मैगी बनाने नहीं आता, उनको ज़्यादा अच्छा आता है अभी का। मैं उनका भी रेसिपी दिखाऊंगी आप लोग के साथ, शेयर करूंगी, मतलब कभी बोलूंगी उनसे कि आप ट्राई करो, एक बार बनाओ, और मैं उसका व्लॉग शूट करूंगी और दिखाऊंगी आपको कि वो मैगी कैसे बनाते हैं। काफ़ी टेस्टी बनाते हैं, मेरे पे इतना नहीं बनता, मैं बना देती हूँ जैसा, बस खाने भर का बना देती हूँ। चलो मैं कुछ कटिंग करती हूँ। मैं जिसमें हम चाय बनाते हैं, और ये ना ये टूट चुका है गाइस, तो इस चीज को नोटिस मत करना आप लोग, जैसा कि हम गरीब लोग हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने रिफाइंड डाला था, वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं डाल दिया, ज़्यादा ऑयली मुझे पसंद नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। ठीक है, अब पहली बात है, एक हाथ से ब्लॉगिंग करो और एक हाथ से कुकिंग करो, मेरे पे नहीं होता। पायल गई है नहाने के लिए तो मैं थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओह माय गॉड, मैं कहाँ रखूँ इसको। एक हाथ से, मतलब एक हाथ से ब्लॉगिंग करना, एक हाथ से कुकिंग करना थोड़ा इम्पॉसिबल है गाइस। तो मैं पहले मिर्च डालती हूँ, आई थिंक मिर्ची डालते हैं ना, आई डोंट नो, मैं जैसा ही बनाऊंगी बस खुद खाने भर का बना लो। मम्मा आज घर पर, आज नहीं मतलब काफी दिन से घर पर कोई नहीं है ना, तो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। आप मैगी ले सकते हैं, तो लाल हो जाए, मैंने कम आज कर दिया, तो चल जाएगा नहीं तो। मैंने इसमें नहीं, ये है मैगी मसाला, मतलब मैगी के साथ जो मसाला था वो था, और ये मैंने अलग से लिया था मैगी का। यार खुद ब्लॉगिंग करना और फिर उसके बाद कुकिंग करना ना गाइस, सच में एक ऐसा लगता है बहुत बड़ा टास्क है, कुछ नहीं हो पाता है। और पानी डाल दिया ना, डाल दूंगी, काफी कमर्स कर रखा है। अभी थोड़ा पक रहा है, थोड़ा सा मसाला नाइस हो गया ना, थोड़ा पक जाए मसाला जब अच्छा लगेगा, उसको मैं चला दे रही हूँ। अब बस इसको डालने के, देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा तोड़ दूँगी,
हाँ इसको भी मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया गाइस, आधा कर दिया इसका साथ। देखिए अच्छी तरह हो गया है। मतलब जब ना कहते हैं ना कि मतलब मसाला जब चिपकने लगे ना तो समझ जाना चाहिए कि वो हो गया। कैसे हो यार, ये इतना टास्क लग रहा है मुझे। मैं एक हाथ से कैमरा से पकड़ो और एक हाथ से कुकिंग करना इम्पॉसिबल है गाइस, कुछ नहीं। जल रहा है, जल ना जाए, जल जा रहे दादा। बच गया। मेरी सारी करे कराए पे पानी कर गया। अगर ये टेस्टी नहीं हुआ ना तब तो मैं कई काम से। अब इसको हम ढक देंगे कुछ देर के लिए, इसको ऐसे रहने दो। देर बाद देखेंगे गाइस कि कैसा बनता है और टेस्ट कराएंगे। टेस्ट ही याद आया, हे भगवान, मैंने तो नमक ही नहीं मैं कहाँ थी। ओह माय गॉड। मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। आई थिंक ये नमक मुझे ठीक लग रहा है कि इतना सही है। कम हो जाएगा ना तो ऊपर से डाल लेंगे, पर मुझे लग नहीं रही कब हो तीन चार ना हो सर। पर सही टाइम पर मैंने डाल दिया नमक कर वापस, अगर मैं भूल जाती तो क्या होता गाइस। बस देखो मैंने एक टमाटर गिरा दिया, मतलब नहीं हो सकता मेरा कुछ भी नहीं, इसलिए तो कहते हैं कि रहने दो तो खाना ना। मैं बस रोटी अच्छी बना सकती हूँ, इससे अच्छा नहीं। रोटी भी थोड़ी बहुत ठीक ही बना देती हूँ, मतलब चिकन अच्छा बना देती हूँ। चिकन का ब्लॉग डालूँगी, फिश का भी डालूँगी, देखना ज़रूर। चलो देखते हैं कैसा बनेगा मैगी। सबसे पहले तो पायल को ही टेस्ट कराऊँगी मैं, पायल के रिएक्शन देखूँगी कैसा है। टेस्ट करेगी लेके आ गई बिस्तर पे, आप खाओ इसको। सो मैंने तो टेस्ट कर लिया है, अब पहले टेस्ट करके बताएगी कि कैसा है। तो पहले बताओ कि कैसा लगा मेरे हाथ का मैगी, खाने दो पहले। सही है, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। हाँ मैंने बोला था कि सच्चाई बताना जरूरी नहीं है, मेरी बड़ाई करना। हाँ वैसे सही है, क्योंकि ना मैगी मसाला डाला था ना मैंने अलग से, इसकी वजह से टेस्ट अच्छा है। और कुछ कहना चाहोगी? नहीं अब खाना है बस। अरे मेरे चैनल के बारे में तो कुछ बोल दो। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।